खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये 17% है 543 का। आपको ये भी बता दें कि 4 असेंबलीज भी आज वोट कर रही हैं, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पूरी पूरी लोकसभा की सीटें और पूरी पूरी विधानसभा की सीटों पर आज ही मतदान चल रहा है। और भी क्या बड़ी खबरें हैं पहले फेज की चुनाव से जुड़ी हुई, वो जानने के लिए अब आपको कुमकुम के पास लिए चलता हूँ। कुमकुम जी, सुमित, सुबह 6 बजे से बिना थके बिना रुके लगातार एबीपी न्यूज इस महा कवरेज पर बना हुआ है। अब तक क्या बड़ी बातें इलेक्शन सेंटर से मेरे पास है दर्शकों को बताने के लिए, जान लीजिए। 20 राज्यों की 91 सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है और पल पल की अपडेट आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख भी रहे हैं हर पहलू के साथ। 91 सीटों पर 4.5 घंटे से वोटिंग जारी है। कुछ आंकड़ा आ भी चुका है, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये जो आंकड़ा है ये सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा है, क्योंकि ताजा आंकड़ा आने में चुनाव आयोग थोड़ा वक्त लेता है। तो सुबह 10 बजे का आंकड़ा क्या है ये भी जान लीजिए। बिहार में 10 बजे तक करीब 14% मतदान हो चुका है। अब थोड़ा मतदान सुधरा है बिहार में, 14% मतदान। यूपी की 8 सीटों पर करीब 10% वोटिंग सुबह 10 बजे तक हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच संजीव बालियान ने दे दिया विवादित बयान और कहा कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग हो रही है रायबरेली में। वहीं एक बड़ी खबर आज ये भी है कि सोनिया गांधी का नामांकन है। और आज एक और चुनावी बड़ी खबर ये भी है अमेठी से कि स्मृति ईरानी नामांकन करने वाली है, उससे पहले पूजा अर्चना वो कर रही है, वो भी हमने आपको दिखाया। इसीलिए हम कहते हैं इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, क्योंकि मतदान के अलावा भी जो भी चुनावी खबर है सबसे पहले आपको दिखेगी आपके अपने चैनल में। रोमाना, शुक्रिया कुमकुम। तो इलेक्शन सेंटर से अब आप आ गए एबीपी न्यूज के डेटा सेंटर में। और जैसा कि कुमकुम ने आपको बताया, एक तरफ दिग्गजों के नामांकन दाखिल करने का दिन, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि 7 चरणों में फैला हुआ है ये लोकसभा का चुनाव, पहले चरण की 91 सीटें जिस पर डाले जा रहे हैं वोट, 18 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश खासतौर से और देखिए बिहार, ये वो राज्य हैं जहां 7 चरण में वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं, बिहार की 4 सीटें हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और बिहार और उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीटें हैं जल्दी से आपको इनके नाम भी बता देते हैं। फेज वन में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये वो 8 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। बिहार की औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये वो सीटें बिहार की 4 सीटें। इसके अलावा महाराष्ट्र की 7 सीटें भी हैं। कौन कौन सी हैं? वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की इन्हीं में से एक नागपुर की सीट का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी की सीधी साख इस सीट के साथ जुड़ी हुई है। और चुनौती नितिन गडकरी के लिए बड़ी इस वजह से हो गई है क्योंकि उन्हीं के शिष्य रहे, बीजेपी में रहे, 2014 में बीजेपी के सांसद बने नाना पटोले, बीजेपी से निकलकर आ गए कांग्रेस के खेमे में और सीधे कांग्रेस ने नागपुर से उन्हें नितिन गडकरी के सामने बतौर उम्मीदवार उतार दिया। नाना पटोले के परिवार से एबीपी न्यूज़ संवाददाता सरिता ने की है खास बातचीत, ये देखिए जरा। आज नागपुर के श्रद्धानंद पेट इलाके में नाना पटोले का पूरा परिवार मतदान करने आया था और अभी अभी ये पूरा परिवार जो है वो मतदान करके आया हुआ है। आप देख सकते हैं नाना भाऊ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपने अभी जो स्याही है वो दिखाएंगे, अभी अभी मतदान किया है। नाना भाऊ, आज की आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मुझे बहुत खुशी है कि मैं जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, ताजुद्दीन बाबा का यहाँ पे बहुत बड़ा कौमी एकता का एक स्थल है और यहाँ पे गणेश जी का जो मंदिर है, जो वहाँ पे सब लोगों का विघ्न हर करता है और साईं बाबा का भी एक, मैं सब जगह जाके आया सुबह सुबह। और मुझे जो यहाँ चुनाव के समय में जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया है वो मैं कभी भी वो भूल नहीं सकता। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही है कि हम नागपुर को एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं जैसे सिंगापुर और दुबई जैसे है वैसा, और यहाँ हमारे यहाँ बेरोजगारों का सबसे बड़ा एक इशू है और यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं नागपुर में। अब ये सब चीज़ों की जवाबदारी हमारी बनेगी, लोगों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है और मुझे विश्वास है कि लोगों का जो विश्वास रहेगा वो विश्वास को मैं पूरी तरह निभाने में यशस्वी होगा। यही ताकत आज मैं सुबह सुबह जो दर्शन के लिए गया था, आशीर्वाद लेने गया था, वो वही मांगने वहाँ पे गया था। नाना भाऊ की पत्नी है मंगला जी हमारे साथ में। मंगला जी, आप क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे आपके लिए अहम रहे?
नागपुर में सबका हम आशीर्वाद है, जीत हमारी पक्की है। बिल्कुल, नाना भाऊ की बेटी है नीता। नीता, क्या ये आपका पहला मतदान था नागपुर में? नहीं नहीं, मैंने इससे पहले 14 में भी किया था, बट ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से और पापा के लिए है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि नागपुर में बहुत ज़्यादा मतदान करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ में दूसरी बेटी है नाना भाऊ की, प्रिया। आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आज जैसे हमने दिन की शुरुआत भगवान जी के दर्शन लेके करी और अभी जो हमने एग्जाम दिया है उसके हम रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव ही होगा हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सूचक बात इन्होंने कही है कि जैसे ये पूरा नाना तो नाना पटोले और उनके परिवार को आप देख रहे थे वोट डालकर बाहर निकले। सरिता जो उनसे बातचीत कर रही थी, एबीपी न्यूज संवाददाता, नाना पटोले की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार नितिन गडकरी को वो हरा देंगे। जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि देखिए नितिन गडकरी को नाना पटोले टक्कर इस वजह से दे पा रहे हैं, एक तो खुद नितिन गडकरी के ही शिष्य रहे हैं नाना पटोले, और दूसरी बात समीकरण, डीएमके समीकरण जो नाना पटोले के साथ है। डीएमके तमिलनाडु वाला नहीं, डीएमके मतलब डी फॉर दलित, एम फॉर मुस्लिम, फॉर कुनबी, और खुद नाना पटोले भी कुनबी हैं। सुमित, बिल्कुल, और ये डीएमके कॉम्बिनेशन जो है ये क्या उनके फेवर में जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कुछ जगहों के पोलिंग परसेंटेज हमको मिलते जा रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए। बिहार में 11 बजे तक जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 20% वोटिंग हुई है, शुरुआती 4 घंटे में करीब 20% वोटिंग हुई है, जो कि सामान्य ही कही जा सकती है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, सामान्य या सामान से कम में ही इसकी गिनती होगी, क्योंकि केवल 4 घंटे और 4 घंटे में केवल 20% ही वोटिंग अब तक हो पाई है। नाना पटोले और नाना पटोले का परिवार देखा दिबांग आपने भी एक साथ, कल हमने एक और परिवार देखा था, तो नाना पटोले और गांधी परिवार कांग्रेसीकरण हो रहा है क्या? नाना पटोले का पूरा परिवार एक साथ कैमरे के सामने है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सुमित कुछ देर पहले हमने पूरा परिवार दिखाया था नितिन गडकरी का, तो मेरे ख्याल से ये उसको बैलेंस करने की कोशिश है। बिहार में 20% आप बता रहे थे, बिहार की ये जो सीटें हैं इनमें पिछली बार 52% वोट हुआ था, यानी वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा बदलाव ऐसा लगता है कि नहीं होगा, और मेरे ख्याल से अब ये जो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े हैं उन पर नजर रखनी होगी। पूरा देश का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उत्तर पूर्व के कई राज्य हैं जहां पर पोलिंग हो रही है, जहां पर 90% तक पोलिंग पहुंच जाती है, तो 86% 85% अक्सर वहां पोलिंग होती रहती है। मेरे ख्याल से उसका काफी यहां पर असर दिखाई देता है। तस्वीर की बात की, अगर कल का याद कीजिए नॉमिनेशन राहुल गांधी का जी, देखिए कई बार तस्वीर बहुत ज्यादा कहती है, हम बोलते हैं जो उससे ज्यादा। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन है, उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का नॉमिनेशन ही था, रॉबर्ट वाड्रा। पार्टी का कोई नेता प्रदेश का या देश का वहां नहीं था। आप इसको बगावत मत समझिए सर। नहीं नहीं, बगावत नहीं है, ये परिवार ही जाएगा। हाँ, ये गलत मैसेज है, हम ये कह रहे हैं गलत मैसेज। वायनाड में नहीं हुआ, वायनाड में प्रियंका साथ थी लेकिन पार्टी के लोग साथ थे। नहीं, अब चूंकि तस्वीर की बात चली है तो उस तस्वीर को और क्लोजअप में देखिए कि पिछली बार जो थे रॉबर्ट वाड्रा उनके बिल्कुल बगल में दिखाई देते थे, इस बार वो एक कदम दूर हैं, बीच में रेहान आ गए हैं और रेहान आई नहीं, 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 रेहान आई नहीं गए हैं, रेहान आई नहीं, मैं नॉमिनेशन था वहां रेहान नहीं थे। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो जो रोड शो की बात कर रहा हूँ, और रेहान आई नहीं गए, नहीं जहाँ पे नॉमिनेशन था वहां तो सबकी पीठ दिखाई दे रही थी, पता नहीं चल रहा था कौन क्या है, और जहाँ रेहान आ गए थे वहाँ रेहान को वाकायदा जो भी माला मिलती थी राहुल गांधी उनको माला पहनाते थे, झंडा मिलता था तो झंडा थमाते थे, तो लगता था कि एक बहुत ज्यादा हाथ हिला रहे थे जरूर रॉबर्ट वाड्रा, पर रेहान पर काफी फोकस था, एक चीज मेरे और वो एक अच्छा एक बदलाव उसमें दिखाई दिया क्योंकि दूसरी तरफ जो था वो उनकी बहन थी और फिर बहन की बेटी थी। दो चीजें उस पूरे फुटेज में जो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत कीनली देखने के बाद, पहले रेहान अपनी माँ के पीछे और बहन के पीछे थोड़ा दूर खड़े थे, राहुल गांधी इशारा करके उनको साथ अपने दाहिने हाथ पे बुलाते हैं जी, और फिर उसके बाद जो भी चीज मिलता है उनको रिसेप्शन के तौर पर नीचे से, चाहे वो फटका मिले चाहे वो कैप मिले, एक कैप मिलती है गांधी कांग्रेस के झंडे वाली, वो बाकायदा उसके सर पे पहनाते हैं, फिर उनको एक रुद्राक्ष की माला, वो माला मिलती है रुद्राक्ष की या किस चीज की समझ में नहीं आया, वो माला लेके उसके गले में पहनाते हैं। तो ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही थी कि अमेठी का अगला युवराज
उस इलाके का एक नया सत्ता, एक सांकेतिक था कि यह अगला युवराज है, तैयारी करी जा रही थी, तैयारी है। और विपक्ष जो जो आरोप लगाता है उसकी एक तरह से पुष्टि भी है। छोटी सी बात, इस ऑब्जर्वेशन जल्दी, हाँ, इस पर मैं भी कह दूं कि एक उसमें और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था कि राहुल गांधी को एक चाय वाले ने चाय पकड़ाई, तो उन्होंने चाय ये नहीं कही हम नहीं लेके और ट्रक पर रख दी। तो ये भी एक आप देखिए कि कैसे जनता के साथ संवाद करते हैं। और दूसरा ये है कि वो परिवार नहीं लेते तो हम ही लोग बाल की खाली खा रहे हैं। मैं और अपडेट के साथ रुमाना मेरे साथ जुड़ गई हैं। रुमाना, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पल पल का अपडेट क्योंकि हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त बागपत से जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं जयंत चौधरी, उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की है। आपको दिखा देते हैं जल्दी से बातचीत। बागपत लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला है जयंत चौधरी और सतपाल सिंह के बीच में। जयंत हमारे साथ में है, सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। जयंत, मुकाबला पिछली बार सतपाल सिंह ने आपके पिताजी को हराया था, 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन रहा था। इस बार आप चुनाव मैदान में, क्या लग रहा है? पिछली बार देखिए पूरे देश में मतदाताओं के अंदर एक भावना बनी थी और वो मोदी जी के पक्ष में थी। ऐसा नहीं है कि किसी स्थानीय चेहरे को देखकर मतदान किया हो, उनका एक बहुत बड़ा प्रचार था और उसमें वो सफल रहे। 5 साल के अनुभव कड़वे रहे हैं देश के लिए, खासतौर से किसान वर्ग बहुत निराश रहा। नौजवानों को जो उन्होंने वादे किए थे रोजगार के, जिस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था को मिसहैंडल किया है और बहुत लोगों को बेकार कर दिया नौकरी देने के बजाय, तो वो एक गुस्सा भी लोगों में था। फिर उत्तर प्रदेश में जो हमने गठबंधन किया है उससे लोगों को उम्मीद जागी है कि कुछ नया हम लोग करने जा रहे हैं और वो एक प्रगतिशील विचार को लेकर हम लोग चले हैं, उसका असर जमीन पे दिखाई दे रहा है। तो आप मानते हैं कि पिछली बार सतपाल सिंह इस वजह से जीत गए थे क्योंकि मोदी लहर थी, और अब की से वो कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, उन्होंने वो स्थानीय जनता के बीच में गए हैं, उन्होंने काम किया है और इस वजह से जनता उनको चुनेगी? जब जब चुनौती आई, जब देश के बड़े मुद्दे आए, ये जितने लोग हैं जो जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने कहीं कोई संघर्ष नहीं किया, वो जनता के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। 2 अक्टूबर को इस देश का किसान देश के राजधानी में जाना चाहता था, उसे सरकार ने रोका, उस पर अनावश्यक बल प्रयोग हुआ, इनमें से कोई वहाँ नहीं पहुँचा। विकास की गति तो वही है जो पहले थी, कोई भी काम जो है पूरा नहीं कर पाए, सब अधूरे हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। छपरौली में जो यमुना पे पुल है वो कहीं बनता नहीं दिख रहा। जिस हाईवे को लेकर उन्होंने पूरे जिले में और दूसरे जिलों में भी होर्डिंग लगाई, वो 10 मीटर 100 मीटर के आगे कहीं बना नहीं दिख रहा। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पुराना प्रोजेक्ट था, इनके कार्यकाल में संपन्न हो गया। देखिए विरासत की सियासत का एक चेहरा जयंत चौधरी भी, जो उनका पारिवारिक गढ़ रहा है बागपत सीट, वहीं पर मोदी सरकार के मंत्री सत्यपाल मलिक को चुनौती दे रहे हैं। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं अमेठी, जहां पर मीडिया के सामने स्मृति ईरानी। मेरा परिवार लड़ रहा है, वो परिवार जिसने वर्षों से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ संघर्ष किया, वो परिवार जिसने राष्ट्र को एकजुट रखने का संकल्प लिया, वो परिवार जो भारत के नवनिर्माण के प्रति समर्पित है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता का संस्कार मात्र एक कि कार्यकर्ता चाहे किसी वर्ग का हो, किसी परिवार का हो, किसी भी समुदाय का हो, हम सब एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण में समर्पित रहते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि राष्ट्र की जनता और उनके अपने संगठन के कार्यकर्ता उनका परिवार नहीं है, तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। हमारा संकल्प मात्र ये जो आज आप देख रहे हैं कि भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, अमेठी का कार्यकर्ता आज गदगद है कि पहली बार अमेठी की संसदीय जो प्रणाली है उसमें हमारा मुख्यमंत्री स्वयं नामांकन में पधार रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत करेंगे। देखिए राहुल गांधी स्वयं अपनी पार्टी के लिए सवाल बन चुके हैं, ये वो सवाल है जो जवाब नहीं देते कि मध्य प्रदेश में
वो कौन सा सज्जन है जिसने तुगलक रोड में रहने वाले किस सज्जन तक लूट का पैसा पहुंचाया, ये कैसी राजनीति है कांग्रेस पार्टी की जो गर्भवती महिलाओं के योजना से पैसा लूट कर अपनी जेबें भरने का पाप करती है, ये कैसी राजनीति है कांग्रेस पार्टी की जो गरीब बच्चों के लिए जो योजना में पैसा है उससे लूट कर अपने पार्टी कार्यालय तक पहुंचाती है। राहुल गांधी अभी भी चुप है कि कमलनाथ के सहायक के घर से 280 करोड़ का जो ब्यौरा मिला है, जो कैश मिला है, जो चर्म मिले हैं अलग एनिमल्स के, उसके संदर्भ में राहुल की चुप्पी अपने आप को देश में उनकी हकीकत बतलाती है। इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, इसीलिए सुबह 6 बजे से लगातार पल पल की अपडेट आप अपने चैनल के द्वारा पा रहे हैं। और अब तक जो ताजा आंकड़ा है वो 11 बजे तक का आ चुका है, वोटिंग परसेंट आ चुका है देश के अलग अलग राज्यों से। यूपी में 11 बजे तक 24% वोटिंग, जो की अच्छी मानी जाएगी, यूपी में 11 बजे तक की 24% वोटिंग का आंकड़ा। लेकिन बिहार पीछे, 20% मतदान बिहार में सुबह 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का बिहार का आंकड़ा, 11 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े बिहार और यूपी के हमने आपके सामने रख दिए हैं। यूपी में 11 बजे तक की 24% की वोटिंग का आंकड़ा, वहीं बिहार में 20% और उत्तराखंड में भी 24%। देखिए, पहाड़ी राज्य है, मौसम यहाँ खराब होता है, ठंड होती है, उसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 24% मतदान हो चुका है 8 सीटों में, और पश्चिमी यूपी की ये वो 8 सीटें हैं, केरला में हुआ है 24%, सहारनपुर में 25%, नोएडा में 24%, गाजियाबाद 22%, बागपत 25%, बिजनौर 25%, मेरठ 22% और मुजफ्फरनगर 26%। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर 11 बजे तक ओवरऑल एवरेज 24% का मतदान। बिहार में जान लीजिए 11 बजे तक 20% का मतदान कैसे हम बता रहे हैं। जमुई में 21%, नवादा में 22, गया में 21 और औरंगाबाद में 17% मतदान, ओवरऑल एवरेज 20% का। और अब लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से उस बड़े पैनल की तरफ जिसे सुमित अवस्थी लीड कर रहे हैं, और सुमित अवस्थी सवालों के साथ साथ विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का मतलब गणित और केमिस्ट्री भी होता है। सुमित, शुक्रिया कुमकुम। नवीन जी, सीधा सवाल आपसे, बिहार में ये अमूमन ऐसा होता है जो कम चीज देखी जा रही है बाकी राज्यों के मुकाबले, या मैंने कहा जानबूझकर सुस्त पड़ा है? देखिए, ये जो क्षेत्र है जनरली पोलिंग कम रहा है। अच्छा, ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा बिहार में आप साउथ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पोलिंग होता नहीं है, थोड़ा सा नक्सल अफेक्टेड भी रहा है ये सब क्षेत्र। और जनरली जो रहा है, जिस तरह का मोबिलाइजेशन होता है इस इलेक्शन में, अगर आप देखिएगा अक्रॉस द कंट्री, उस तरह का इंटेंसिव कंपेन भी नहीं हुआ है, वोटरों के बीच में एक सुस्ती है, ये देखिए। और ये बहुत डिस्टर्बिंग भी है कि किस तरीके से, शायद हम लोग गौज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का एक लास्ट इलेक्शन में जिस तरह का उफान देखा गया था वो इस इलेक्शन में नहीं है। तो ये कुल मिलाकर ये सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं जो टर्न आउट है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, और ये हमको लगता है कि यही सिलेक्शन का काफी एक डिसाइसिव फैक्टर बन सकता है। क्या टर्नआउट कम रहा तो बिहार में जो कॉम्बिनेशंस बने इस बार बीती बार के मुकाबले, अब नीतीश बीजेपी और पासवान साहब एक साथ हैं, दूसरी तरफ लगभग पूरा विपक्ष एक साथ है, आरजेडी है, कांग्रेस है, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी साहब हैं, क्या ये कॉम्बिनेशंस अपील नहीं कर पाए लोगों को, इनको लेके सुस्त पड़ा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, बीती बार अलग अलग थे। नहीं, ओवरऑल जिस तरह का मोबिलाइजेशन, देखिए दोनों साइड से, लालू प्रसाद जब जेल के बाहर रहते थे, जेल अभी जेल के अंदर है, और लालू प्रसाद वन मैन आर्मी थे जो वोटर्स को मोबिलाइज कर पाते थे बहुत बड़े ये। और नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में जिस तरह का कंपेन लास्ट बार किया था उस तरह का कंपेन नहीं हुआ है जी। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में मेरा मानना है कि लोकल लेवल पर कंपेन हुए हैं, बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन जो है वोटर को पिछली बार जैसा नहीं हो, चुनावों में नहीं देखने को मिल रहा है, और शायद इसी वजह से थोड़ी सी सुस्ती अब तक दिखाई दी है, क्योंकि गर्मी का मौसम तो वैसे ही जैसा पिछली बार था। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, बद्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। क्या ये वोटिंग परसेंटेज आपको संतुष्ट कर रहा है? नहीं करना चाहिए, घर से बाहर निकलिए, वोट करिए।